Surprise, motherfucker! The king is back! तो और मेरे PUBG लाइट वाले भाइयों, तो कैसे यार आप सभी लोग थे एकदम बड़े होंगे। तो गैस आ चुका मैं एक और गेम प्ले वीडियो लेके, और गैस इस वाले गेम प्ले को भाई तुम लास्ट तक जरूर देख के जाना, क्योंकि गैस इस वाले मैच में मतलब भाई ये वाला मैच हमारा बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैच था। मतलब भाई आपको देख कर ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो गैस भाई सामने की तरफ बंदे आ चुके थे और भाई मैंने एक बंदे को यहाँ पे नॉक भी कर दिया, जो गैस भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया नो स्कोप हेडशॉट, वो भाई मैंने डुओ में किया था। और मतलब गैस सोलो और डुओ में मेरे साथ ऐसा सीन होता है, मतलब कि गैस उन वाले मैच तो भाई मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और कभी कभी भाई रिकॉर्ड कर लेता। और भाई रात का सीन तो ऐसा है, मतलब इतना हाई पिंग आता है भाई खेल ही नहीं सकते। और मतलब भाई दिन में तो कभी कभी भाई 60 का पिंग आता है, बट गाइस रात का तो सीन ही खराब है। यहाँ पे गाइस नीचे की तरफ होते हैं बंदे, तो बस देखो देखो गैस भाई इस वाले बंदे को डैमेज मैंने पूरा दिया, बट गैस मेरा टीममेट किल ले जाता तो मतलब कोई बात ना। और इस वाले बंदे का आपने नाम नोटिस किया क्या भाई? इस वाले बंदे का नाम था फैन ऑफ यू, और मतलब भाई ये लड़कियों को पटाने का एक नया तरीका है, और तुम समझ ही जाओगे। समझ रहे हो ना? नहीं देखो गैस भाई आपको जो शुरुआत में सीन दिखाया गया उसी पे रिलेटेड भाई ये वाला थंबनेल था, और तुम भाई चक्कर में मत पड़ जाना कि इसमें भाई मैं AWM चैलेंज करने वाला, क्योंकि गैस भाई इस वाले मैच में मेरे को AWM तो भाई देखने को नहीं मिली। और भाई ये वाला चैलेंज हम अगली वीडियो में पूरा जरूर करेंगे भाई, डबल AWM चैलेंज करेंगे, और मतलब भाई तुम समझ जाना। देखो गैस भाई इस वाले मैच में मेरे साथ क्या सीन हुआ, मतलब भाई दो जगह पे भाई मैं नॉक होता हूँ और वहाँ पे मेरे बचने के चांसेस एकदम जीरो थे, बट गैस जो मेरे टीममेट है ना भाई इन्होंने क्या ही बचाया मेरे को। तो मतलब इस वाले मैच को भाई लास्ट तक देखना तो बनता। यहाँ से गाइस मैं लोड करके जा रहा होता, तभी गाइस भाई सामने की तरफ दो बंदे आ जाते हैं, जो कि गाइस पता नहीं भाई बोटो को मारने में बिजी हो जाते हैं। तो बस देखो यहाँ पे अब जैसे गैस भाई मैं सामने की तरफ बंदा नो करता हूँ, मैं उस वाले बंदे को भाई फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, और भाई उसका जो दूसरा टीममेट होता है वो भाई पेड़ के पीछे चला जाता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इधर से भाई स्केटी लगाता हूँ और भाई सामने की तरफ जाता हूँ, और उधर से मुझे एंगल भी मिल जाता है सामने वाले बंदे को मारने का। तो बस देखो यहाँ पे यहाँ पर गैस भाई मैंने दो बंदे नॉक कर दिए होते, और यहाँ पर कुछ बोर्ड्स आ जाते हैं तो भाई इनको ही निपटा लेते, और भाई बोर्ड को मारना तो बनता है, इन्हीं की वजह से भाई हमारी KD तुम्हें पता है सब कुछ मेंटेन हो ही जाती है। तो भाई जल्दी से मैं स्केटी लगाता हूँ, और भाई सामने की तरफ जिन बंदों को भाई मैंने नॉक किया था उनका भाई किल भी तो कन्फर्म करना, और भाई उनके पेटों में से जल्दी यहाँ से लूट कर लेते हैं। अब जैसे गैस भाई यहाँ से मैं लूट करके जा रहा होता हूँ, तभी गैस यहाँ पे भाई मेरा टीममेट रेड जोन से नॉक हो जाता है, और भाई तुम्हें पता है भाई PUBG लाइट का रेड जोन किसी को जिंदा ना छोड़े। तो भाई जल्दी से अपने टीममेट को मैं यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ, और भाई इसको रिवाइव करने के बाद यहाँ पे से निकलेंगे भाई बंदों को ढूंढने, और गैस बंदों को ढूंढने ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता भाई, बंदे यहीं पर मिलेंगे। अब यहाँ से गैस भाई मेरे टीममेट को रिवाइव करके मैं जा रहा होता हूँ, तभी देखो गैस मेरे साथ क्या सीन होता है। और यहाँ पर गैस भाई पीछे वाले बंदे ने मेरे ऊपर धप्पा कर दिया, मतलब कि गैस यहाँ पे मेरा बचने के चांसेस बहुत ही कम थे, बट गैस भाई मेरे टीममेट को मैं बुला लेता हूँ। और यहाँ पे भाई रिवाइव लेने के बाद मेरे पास हील के नाम पे कुछ नहीं था, तो भाई जल्दी से मैं गाड़ी उठाता हूँ, और जिस बंदे को भाई मेरे टीममेट ने निपटा दिया होता है भाई उसकी पेटे लूटने के लिए चला जाता हूँ, और भाई जल्दी से भाई मेरे टीममेट को बैठा के सारे को यहाँ से जा रहा होता हूँ। तभी गैस यहाँ पे पीछे की तरफ एक गाड़ी आ जाती है और उसमें होते भाई चार बंदे, तो बस देखो और यहाँ पर गैस भाई गलत ही सीन हो रहा था, मतलब कि गैस स्टेडियम से भी बंदा मारा और भाई सामने की तरफ से भी बंदा मार रहा, और यहाँ पर गैस भाई मेरे बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। जैसे गैस भाई मेरे अपने टीममेट से मैं रिवाइव ले रहा था, तभी गैस भाई स्टेडियम वाला बंदा भाई मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है, और गैस यही सीन होता है कि मतलब कि गैस आप किसी स्क्वाड को निपटा देते हैं, तभी गैस भाई पीछे वाले सामने वाले सारे बंदे भाई मतलब आप पे थर्ड पार्टी करने आ जाएंगे और भाई आपको इजिली निपटा देंगे। बट गैस देखो भाई मेरे साथ क्या सीन हो रहा था, भाई स्टेडियम से भी बंदा मार रहा और भाई सामने की तरफ
से भी बंदा मारा, तो भाई जल्दी से मैं अपने टीममेट से रिवाइव ले लेता और भाई जल्दी से मैं अंदर की तरफ आ जाता और भाई एक टीममेट से अपने फर्स्ट एड ले लेता। बट गाइस मेरे टीममेट्स कोई भी बच नहीं पाता, जब तक भाई मेरी फर्स्ट एड लगती है तब तक गाइस भाई दोनों टीममेट्स मेरे शहीद हो जाते, मतलब कि गाइस मैं इनको बचा नहीं पाया और भाई जल्दी से स्मोक कर लेता। तभी गाइस भाई सामने की तरफ कुछ बंदे आ जाते भाई घासों में लेट जाते सामने की तरफ, और यहाँ पे देखो भाई फाइट कितनी देर तक चलती है, मतलब कि गाइस मैं इस वाले घर में रुका हुआ रहता और भाई स्टेडियम वाले बंदे को भी बाद में निपटाएंगे और भाई सामने वाले बंदे मेरे पे क्लोज इन करने आ रहे होते। अब थोड़ी देर भाई मैं बाहर की तरफ जाता और इन वाले बंदों का ध्यान भटकाता हूँ, तभी देखो यहाँ पे जैसे गाइस भाई मैं बाहर की तरफ जाता हूँ भाई सामने की तरफ एक बंदा नॉक कर देता हूँ, और कभी कभी भाई ओवर कॉन्फिडेंस आपकी पेटी बना देगा भाई, सामने वाले बंदे भाई दोनों मिलके भाई डैमेज दे रहे होते भाई लेट के, तो मतलब भाई सामने की तरफ मैं बंदा नॉक कर चुका था और भाई नेड भी कर देता हूँ, मुझे लगा भाई इससे फिनिश हो जाएगा बंदा, बट गाइस इससे कुछ भी नहीं होता और मतलब भाई मैं थोड़ी देर उन वाले बंदों का इधर ही इंतजार करता हूँ। मेरे पास भाई हीलिंग के नाम पे कुछ भी नहीं होता तो भाई मैं बाहर की तरफ लूट करने आ जाता हूँ, बट गाइस सामने वाले बंदे भाई मेरे पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई, डैमेज पे डैमेज दिए जा रहे थे। और भाई इस वाले मैच में मतलब जो मैंने सिचुएशन संभाली है ना, मतलब कि गाइस ये वाला मैच मेरा बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैच होता है भाई, मेरे पास एक और ग्रेनेड होता तो भाई इस वाले ग्रेनेड को भी कर देता, मुझे लगा भाई उन वाले बंदों में से एक तो नॉक हो जाएगा बट सामने वाले बंदों को सिर्फ डैमेज जाता है, तो भाई मैं इन वाले बंदों का इधर ही इंतजार करता हूँ, अगर गाइस भाई मैं खुले में जाता हूँ तो मेरी पेटी बना देंगे ये, और भाई सामने की तरफ आ चुके थे वो दोनों बंदे, तो बस देखो और गाइस भाई फिर से भाई मैं सामने की तरफ एक बंदा नॉक कर देता हूँ और भाई उसका दूसरा टीममेट भाई घासों में लेटा हुआ और भाई वो वाला बंदा मेरे को मार भी सकता है, तो भाई मैं जल्दी से इधर ही रुका हुआ रहता हूँ और भाई इधर फर्स्ट एड भी लगा लेता हूँ। अब जैसे गाइस भाई आपको पता होगा कि भाई स्टेडियम के अंदर एक और बंदा होता है, तो बारी थी इस वाले बंदे को निपटाने की, तो बस देखो यहाँ पे Down. और यहाँ पर गाइस भाई जो स्टेडियम वाला बंदा होता है वो तो भाई इजीली मारा जाता है, लेकिन गाइस मैं परेशान हो चुका हूँ भाई पीछे वाले बंदों से, तो भाई स्केटी लगा के सीधा आ जाता मैं इस वाली पहाड़ी पे और भाई सामने की तरफ ही मेरे को दिख जाता है एक बंदा, तो बस देखो इसके साथ क्या करता हूँ। और यहाँ पर गाइस भाई सामने वाले बंदे को तो मैं इजी नॉक कर देता हूँ, यहाँ पर गाइस भाई मेरे को डर लग रहा था भाई इसके बाकी के टीममेट सामने की तरफ ही होंगे और उन वाले बंदों के पास अगर मैंने क्लोजिंग किया और उनके पास S12 के निकलेंगी तो मतलब भाई तुम समझ जाओ भाई मेरी पेटी यही पे बन जाएगी, और भाई मेरी पेटी वैसे भी बनेगी मतलब भाई जोन के बाहर ही, तो बस देखना मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। अब इस वाले बंदे का भाई पूरा किल कंफर्म कर लेता हूँ और इसका जो दूसरा टीममेट होता है ना वो भाई होता है नीचे की तरफ, और भाई यहाँ पे जो मेरी पेटी बनने वाली है ना मतलब भाई आपको हंसी आ जाएगी, तो बस देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। मैं मर गया और गाइस यही थे आज की गेम प्ले वीडियो, कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर गाइस आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता तो गाइस कर देना, तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और अगली वीडियो में भाई हम AWM चैलेंज पूरा जरूर करेंगे पता नहीं कब।